मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंटा। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की जीत हुई और महागठबंधन शुरू से ही जेडीयू और एनडीए पर यह आरोप लगा रहा है कि चुनावों में कई जगह पर धांधली हुई है। बहुत कम सीटों का अंतर रहा जब आरजेडी जीत के कगार पर थी और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आरजेडी कहे या राजन या कहे तेजस्वी यादव की पार्टी कोर्ट की ओर अपना रुख कर रही है। मतलब अब वो सीधे कोर्ट जाएगी और वहां पर अपना ये मुद्दा उठाएगी। तेजस्वी यादव का मानना है कि हम इन सीटों पर हारे नहीं हैं बल्कि जबरन हरवाए गए हैं। बिहार के चुनावों में हार दोनों ओर से हुई है लेकिन महज चंद वोटों से हार जाने पर महागठबंधन को ये राजनीतिक साजिश लग रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से सिर्फ 15 सीटों से हार जाने वाला विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में कम अंतर से हारे अपने पार्टी के प्रत्याशियों को ये कहा है कि वो अपने ओर से इस मामले को कोर्ट में ले जाए। आलाकमान से मिले आदेश के बाद राजद कांग्रेस और वाम दल के हारे हुए 21 प्रत्याशी ने अब अपनी कमर कस ली है। इनके इन सीटों पर बहुत ही कम या मामूली अंतर से हार हुई है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ऐसी सीटों पर उनकी पार्टी हारी नहीं बल्कि विपक्ष के षड्यंत्र के तहत हराई गई है। वैसे चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि दोनों ओर से हारे हुए प्रत्याशियों की संख्या एक जैसी ही है। 3000 से कम वोटों से टोटल 35 उम्मीदवारों की हार हुई है जिनमें 17 एनडीए तो महागठबंधन के 18 प्रत्याशी शामिल हैं और 1000 वोटों से हारने वालों की संख्या महागठबंधन में ज़्यादा है और एनडीए में कम। इस मामले में एनडीए के कुल 4 प्रत्याशी आते हैं तो महागठबंधन के 6 प्रत्याशी आते हैं। अदालत जाने की तैयारी में जुटे महागठबंधन के प्रत्याशियों ने कम वोटों से हारने वाले सीटों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। आधी रात को मनोज झा ने महागठबंधन के घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ मिलकर चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया था। तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले अपने द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है, वो कोर्ट ज़रूर जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया है कि कोर्ट जाने के लिए वकीलों से सलाह मशविरा लिया गया है, उम्मीदवारों को अपने ओर से ही कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है और तमाम तरह के दस्तावेज कागजात तैयार कर लिए गए हैं। बिहार चुनाव में जीत के करीब पहुंचे तेजस्वी को अब उनका हार और नीतीश कुमार की जीत खटक रही है और इसी के साथ वो एनडीए पर ये आरोप लगातार लगा रहे हैं कि चुनावों में धांधली की गई है और जनादेश की चोरी हुई है। अब वो और उनकी पार्टी कोर्ट ज़रूर जाएंगे पर ये देखना हम सब के लिए काफ़ी दिलचस्प होगा कि तेजस्वी को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल सके। शुक्रिया।